मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से तमाम ताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। आयरलैंड के गेंदबाजों को रिंकू सिंह ने बल्ले से धो डाला, 21 गेंदों में 38 रन, 3 लंबे छक्के लगाए। आयरलैंड में चला रिंकू सिंह का बल्ला, लगाए चौके छक्के, 21 गेंदों में 38 रन बनाए। खेल प्रेमियों ने मनाया जश्न, यूपी T20 में भी बल्ला चलाएंगे रिंकू सिंह। रविवार को दिन भर रिंकू सिंह के चयन का इंतजार करते रहे खेल प्रेमी। मार्की खिलाड़ी के रूप में रिंकू सिंह को मिलेंगे 10 लाख रुपए। अलीगढ़ शहर के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह ने रविवार को आयरलैंड में अपना जलवा दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार बल्लेबाजी करने उतरे रिंकू सिंह ने अपनी बल्लेबाजी से खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। उन्होंने 21 गेंदों में कुल 38 रन बनाए। खेल प्रेमियों को निराश न करते हुए 3 छक्के और 1 चौका भी लगाया। रिंकू के अच्छे प्रदर्शन पर मिठाई बांटी और जश्न मनाया। रिंकू को मिला बैटिंग का मौका। 3 दिवसीय T20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए रिंकू सिंह इन दिनों आयरलैंड में है। इस सीरीज का पहला मैच 18 अगस्त को हुआ था, जो वर्षा के कारण बाधित हो गया। रिंकू को बल्लेबाजी का अवसर न मिलने से खेल प्रेमी मायूस हो गए। सभी को रविवार के मैच का इंतजार था। सुबह ही रिंकू के स्वजन, मित्र एवं अन्य खेल प्रेमी मैच शुरू होने का इंतजार करते रहे। देर शाम शुरू हुए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। इससे रिंकू के खेलने की उम्मीद हो गई। 3 विकेट गिरने के बाद रिंकू सिंह बल्ला लेकर मैदान में उतरे। शुरुआत धीमी की, लेकिन फिर अपने चिर परिचित अंदाज में चौके छक्कों की बरसात कर दी। रिंकू सिंह ने बनाए 38 रन। रिंकू सिंह ने 21 गेंद खेलते हुए 1 चौका व 3 छक्कों की मदद से कुल 38 रन बनाए। इससे सभी खुशी से झूम उठे। पूरे परिवार ने देखा मैच आयरलैंड भारत के बीच दूसरा मुकाबला। रिंकू सिंह के परिवार ने भी देखा। पिता खानचंद्र और माँ बीना देवी रिंकू को स्क्रीन पर देखकर काफी खुश नजर आए। जैसे ही रिंकू ने खेलना शुरू किया, वे उत्साहित होकर तालियां बजाने लगे। माँ बीना देवी अपने लाडले को अच्छे खेलने का आशीर्वाद देती नजर आई। 38 रन पर आउट होने के बाद वे खुश नजर आए। कहा 50 से हो जाती है तो अच्छा होता, फिर भी रिंकू अच्छा खेला। ईश्वर से प्रार्थना है कि आगे के मैच में और अच्छा खेले। महुआखेड़ा स्टेडियम में जिसने महुआखेड़ा क्रिकेट स्टेडियम में जागरण क्रिकेट क्लब के संस्थापक अर्जुन सिंह फकीरा ने प्रशिक्षु खिलाड़ियों के साथ मैच देखा, एक दूसरे को दी बधाइयां। रिंकू का खेल पूरा होने के बाद मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई देते हुए खुशी जताई। रिंकू के करीबी अर्जुन सिंह फकीरा ने कहा कि रिंकू ने अच्छी बल्लेबाजी की। 23 अगस्त को होने वाले अंतिम मैच में रिंकू और अच्छा खेलेंगे। पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में 38 रन बनाए बहुत बड़ी उपलब्धि है।